हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग पीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे रिलेटेड टू चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होगा हमारा ईजीडी। ठीक है, ईजीडी की फुल फॉर्म क्या है? ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी। ठीक है गाइस, आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक कोड रेंज आती है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, और कौन सी गाइडलाइन हम इस टॉपिक में फॉलो करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, क्या गाइडलाइन हमें फॉलो करना है, आज सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, देखो गाइस क्या है ना, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा ईजीडी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ईजीडी की फुल फॉर्म होती है ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये एक डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या विजुलाइज करते हैं, ओसोफेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक एंड प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। ठीक है, इस प्रोसीजर में हम इन चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कोड रेंज आती है। इसमें हमारी कोड रेंज आती है 43,235 से लेके 43,259। ठीक है गाइज, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें हमें पता चल गया ये वाली कोड रेंज हमें कोड करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट कोड, और वो अप्रोप्रिएट कोड हम कैसे कोड करते हैं वो हम देखेंगे सिनारियों में ईजीडी के साथ में क्या दे रखा है। वहाँ पे दे रखा है विद बैंड लाइगेशन, है ना, विद डायलेशन, ये सब चीज़ें वहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है गाइज, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू कोड द अप्रोप्रिएट कोड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें गाइज, वो है 52 मॉडिफायर और 53 मॉडिफायर, जैसे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, इंपॉर्टेंट अपेंड 52 मॉडिफायर इफ रिपीट एग्जामिनेशन इज नॉट प्लान्ड, है ना, अपेंड 53 मॉडिफायर इफ रिपीट एग्जामिनेशन इज प्लान्ड, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कोड 52 मॉडिफायर और 53 मॉडिफायर। ठीक है गाइज, वैसे हमें पता है कि 53 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, हम करते हैं जब हमारा कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है और वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे हम 53 मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, और 52 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, रिड्यूस प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने पहले मॉडिफायर में पढ़ा था कि 52 मॉडिफायर और 53 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, अब ये होगी इसकी गाइडलाइन। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, अब गाइज आप पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ पेशेंट डायग्नोज विद गर्ड प्रेजेंट टू द सेम डे सर्जरी डिपार्टमेंट फॉर एन अपर GI एंडोस्कोपी और EGD। ठीक है, अब हमें पता चल गया EGD के लिए पेशेंट आया है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डॉक्टर ने क्या किया था, प्रोसीजर को शुरू किया था। ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोसीजर की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। ठीक है, मतलब वो बहुत नीचे चला गया, उसकी वजह से फिजिशियन ने क्या किया कि उसने जो प्रोसीजर है उसको फिनिश नहीं किया है। यहाँ पे अब रोल आएगा किसका, मॉडिफायर्स का। ठीक है, अब हम सबसे पहले मॉडिफायर देख लेते हैं। देखो गाइस, जो 53 मॉडिफायर है जैसा कि नीचे दे रखा है वो इंडिकेट क्या करता है, सर्जिकल प्रोसीजर और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट वॉज स्टार्टेड बट डिसकंटिन्यू। यहाँ पे क्या किया है, डॉक्टर ने प्रोसीजर तो स्टार्ट किया है बट उसने डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्यों, क्योंकि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी लो हो रहा था। ठीक है, ऑप्शन में पहला कोड देखो 43257, 43499, 43257। देखो ऑप्शन ACD तीनों में ही क्या है, ये कोड दे रखा है, सेम कोड दे रखा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला कोड हमारा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कोड पढ़ोगे 43257, ये किसके लिए आता है, ईजीडी के लिए आता है, फ्लेक्सिबल ट्रांसमीटर विद डिलीवरी ऑफ थर्मल एनर्जी टू द मसल्स ऑफ लोअर ईसोफेगियल स्पिंचर। ठीक है, देखो हमारे सिनेरियो में भी स्पिंचर दे रखा है ना, लोअर ईसोफेगियल स्पिंचर वहाँ पे गिवन है। ठीक है गाइस, ये हमारा कीवर्ड मैच कर गया, ईजीडी तो हो रहा है, ईजीडी के साथ में हमारा जो कोड डिस्क्रिप्शन है ईसोफेगियल स्पेंचर उसके साथ भी मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये कोड हमारा आएगा ही आएगा, ये हमें समझ में आ गया कि ये हमारा सिनेरियो से मैच कर रहा है, तो हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रह गया ऑप्शन ACD। अब देखो तीनों ऑप्शन में क्या है, मॉडिफायर दे रखा है। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या है, हमें मॉडिफायर के बेस पे डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि हमारा कोड तो सेम है। ठीक है, बट मॉडिफायर तीनों ऑप्शंस में डिफरेंट है। अगर आप मॉडिफायर देखोगे 73 और 74, ये हमारा किस में यूज़ किया जाता है, ये एनेस्थीसिया चैप्टर में यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम एनेस्थीसिया चैप्टर के मॉडिफायर को यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप पढ़ोगे मॉडिफायर 73 तो देखो यहाँ पे दे रखा है डिसकंटिन्यूड आउट पेशेंट हॉस्पिटल ASC प्रोसीजर। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ तो हमारा पेशेंट इन पेशेंट है क्योंकि वो सर्जरी डिपार्टमेंट में आया है। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में हमारा 53 मॉडिफायर दे रखा है, और जो 53 मॉडिफायर है वो क्या कहता है, वो कहता है कि डॉक्टर प्रोसीजर तो स्टार्ट करेगा बट डिसकंटिन्यू करेगा। ठीक है, जैसा कि हम पहले मॉडिफायर में पढ़ चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने ये दिया है, बेस्ड ऑन द मॉडिफायर यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। ठीक है, अब गाइस क्या है ना, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि पेशेंट है वो अपना 5 ईयर ओल्ड है, वो एडमिट हुआ है विद मैसिव गैस्ट्रिक डायलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंडोस्कोप इंसर्ट किया गया किसके साथ में, कैथेटर प्लेसमेंट
के साथ में, ये यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। अगला कीवर्ड है इसमें क्या है कि एंडोस्कोप क्या है वो एंगेज नहीं हो पाया ड्यू टू हाई ग्रेड नैरोइंग इन द पायरोरिक चैनल, ठीक है, मतलब वो उसको पहुँचा नहीं पाया आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टमक तक हमने एंडोस्कोप को डाला है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ईजीडी तो हो रहा है। ईजीडी का मतलब हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हम किसको विजुलाइज करते हैं, स्टमक को करते हैं, ठीक है, और अपना ईसोफेगस को करते हैं, ठीक है, ओरोफेरिंक्स को करते हैं। तो हमें पता चल गया ये हमारा ईजीडी प्रोसीजर है, ठीक है। ईजीडी के साथ में हमें एक और चीज़ है कीटम, वो है यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथेटर का प्लेसमेंट हो रहा है एंडोस्कोप के साथ में, ठीक है। अब हम सीधा ऑप्शंस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखो, पहला वाला 43246 विद 52 मॉडिफायर, 43241 विद 52 मॉडिफायर, ठीक है, और अगला है सी ऑप्शन 43235 एंड 43236। अगर आप कोड देखोगे 43235, ये हमारा आता है ईजीडी के लिए, ठीक है, और इसमें केवल ईजीडी दे रखा है, और हमारा ईजीडी के साथ में क्या हो रहा है, कैथेटर प्लेसमेंट हो रहा है, तो दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है 236, उसमें क्या है हमारा ईजीडी के साथ में क्या है, विद डायरेक्टेड सबमुकोजल इंजेक्शन, बट हमारे सिनेरियो में ईजीडी के साथ में कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा है ना कि सबमुकोजल इंजेक्शन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है ना, तो हम ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अगर आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखोगे तो 52 मॉडिफायर दे रखा है, और गाइस हमारा 52 मॉडिफायर यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने शुरू तो किया है प्रोसीजर, उसने क्या किया है उसको पूरा नहीं किया है। 52 मॉडिफायर हम कब देते हैं, रिड्यूस प्रोसीजर के लिए, तो हमारा प्रोसीजर तो यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है ना, ठीक है। अब आप कोड देखो ऑप्शन ए का 43246 और 43241, अगर आप 43246 देखोगे तो वो ईजीडी के साथ में क्या है, विथ प्लेसमेंट ऑफ परक्यूटेनियस गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, यहाँ पे गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब तो इंसर्ट नहीं किया है, यहाँ पे कौन सा किया है, कैथेटर। अगर आप कोड देखोगे 43241 तो वो किसके साथ में आता है, ईजीडी विद इंसर्शन ऑफ इंट्रा एल्यूमिनल ट्यूब और कैथेटर, ठीक है, और हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा था, कैथेटर का प्लेसमेंट हो रहा था, ये हमने पढ़ा था ना पहली लाइन में, एंडोस्कोप वाज इंसर्टेड विद कैथेटर प्लेसमेंट, तो कैथेटर का प्लेसमेंट हो रहा है ईजीडी के साथ में, तो इसीलिए हमारा किसके साथ में मैच करेगा, ये कोड करेगा 43241 के साथ में, और यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आपको यही चीज़ देखने क्या हो रही है और उसके साथ में क्या चीज़ डॉक्टर कर रहा है, मतलब किसकी हेल्प से कर रहा है। अभी आप अगला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ईडी परफॉर्म हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, ईसोफेगस स्टमक और कुछ पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, तो हमें समझ में आ गया हमारा स्टमक दिख रहा है, ईसोफेगस दिख रहा है, दैट मींस ये हमारा ईजीडी में आएगा, ठीक है गाइस। अब इसके साथ में देखो हो क्या रहा है ना, अब देखो लास्ट में एक चीज़ देखिए, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आ स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस इज आइडेंटिफाई एंड सब्सिक्वेंटली डायलेटेड विया बैलून डायलेशन 20 mm, ठीक है। अब ये कीवर्ड मिल गया, ठीक है, अब हम सीधा ऑप्शंस पे आ जाते हैं। अगर आप ऑप्शंस देखोगे, पहला ऑप्शन देखो 43235, ये हमारा किसके लिए आता है, ईजीडी के लिए आता है, सिंपल ईजीडी के लिए आता है, बट हमारा ईजीडी के साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलून डायलेशन भी हो रहा है 20 mm वाला, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन जाएगा नहीं, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब आओ ऑप्शन बी पे 43248, अगर आप 43248 देखोगे तो वो किसके लिए आता है, विद इंसर्शन ऑफ गाइड वायर फॉलोड बाई पैसेज ऑफ डायल थ्रू ईसोफेगस, ठीक है, बट ऐसा भी कुछ नहीं हमारे सिनेरियो में, ठीक है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर दो। अगर आप ऑप्शन डी देखोगे 43236, ये किसके लिए आता है, ये हमारा आता है ईजीडी विद डायरेक्टेड सबम्यूक्यूजल इंजेक्शन, बट हमारे सिनेरियो में सबम्यूक्यूजल इंजेक्शन भी नहीं दे रखा, हमारे में क्या दे रखा है, वैल्यून डायलेशन, वो भी 20 mm, ठीक है, ईजीडी के साथ में। अब देखो कोड देखो ऑप्शन सी वाला, वो है 43249, अगर देखो इस कोड को पढ़ो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ईजीडी विद ट्रांस एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन ऑफ ईसोफेगस लेस देन 30 mm डायमीटर, और हमारे सिनेरियो में कितना डायमीटर दे रखा है बैलून डायलेशन ऑफ ईसोफेगस का, वो दे रखा है 20 mm, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ हमारी मैच कर गई, ये चीज़ मैच कर गई, और हमारा ईजीडी हो ही रहा है, ठीक है, कोड का डिस्क्रिप्शन है वो हमारे सिनेरियो के साथ में मैच कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 43249। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो पेशेंट अंडरवेंट गया है किसके, ईजीडी के, ठीक है, और मल्टीपल बायोप्सी ली गई है, ठीक है, पहली चीज़ हुई है ईजीडी और दूसरा क्या है, मल्टीपल बायोप्सी की गई है, ठीक है। अब देखो इसके साथ में क्या है, एक पॉलिप रिमूव किया गया है किसके थ्रू, हॉट बायोप्सी फॉरकैप्स के थ्रू, ठीक है। अब हमें कोड में देखना है कि किस कोड के साथ में हमारी ये तीनों चीज़ें हैं जो सिनेरियो में दे रखी हैं वो मैच करेंगी, ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखोगे 43239, ठीक है, अगर आप ये वाला कोड पढ़ो 43239, ये किसके लिए आता है, ये आता है ईजीडी विद बायोप्सी सिंगल और मल्टीपल। देखो बायोप्सी हो रही है, ईजीडी भी हो रहा है, बट यहाँ पे इस कोड में एक चीज़ नहीं दे रखी है, पॉलिप्स रिमूव विद
हॉट बायोप्सी फॉर कैप्स, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दिया। अगर आप ऑप्शन बी देखोगे 43239 और 43250, कोड 43239 में हमारे दो चीज़ तो मैच कर रही थी, ईजीडी और मल्टीपल बायोप्सी, ठीक है, ये चीज़ तो मैच कर गई थी हमारी, वहाँ पे क्या मैच नहीं कर रही थी, वो मैच नहीं कर रही थी, और यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी, वो क्या हुई थी, वो हुई थी पॉलिप रिमूव किया गया था एक विद हॉट बायोप्सी फॉर कैप्स के थ्रू, ठीक है। अगर आप कोड पढ़ोगे दूसरा 43250, अगर इसको पढ़ोगे ये किसके लिए, ईजीडी विद रिमूवल ऑफ ट्यूमर पॉलिप्स और अदर लीजन बाय हॉट फॉर कैप्स, ठीक है। अब देखो हमारी तीनों चीज़ें मैच कर गई ऑप्शन बी के साथ में, जो हमारा पहला कोड है उसके साथ में हमारा क्या मैच कर गया, ईजीडी विद मल्टीपल बायोप्स, और दूसरा कोड हमारा 43250 इसके साथ में हमारा मैच कर गया पॉलिप विद और बायोप्सी फॉर कैप्स, ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब आप ऑप्शन सी देखो, हर ऑप्शन में बी सी डी में सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोड देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा सी का दूसरा वाला कोड, डी का दूसरा वाला कोड, वो कोड दोनों ही मैच नहीं करेंगे, ठीक है। देखो देख लेते हैं फिर भी 43251, अगर 43251 देखोगे वो किसके लिए आता है, विद रिमूवल ऑफ ट्यूमर एंड पॉलिप्स बाय स्नेयर टेक्निक, बट हमारे सिनेरियो में स्नेयर के थ्रू तो नहीं हो रहा है, हमारे में किसके थ्रू हो रहा है, पॉलिप का रिमूवल हॉट बायोप्सी फॉर कैप्स के थ्रू, इसीलिए हमारा सी आंसर नहीं होगा, ठीक है। डी क्यों नहीं होगा, अगर आप कोड देखोगे 43255 ये किसके लिए आता है, ये आता है विद कंट्रोल ब्लीडिंग बाय एनी मेथड, हमारे सिनेरियो में कहीं भी ब्लीडिंग का तो जिक्र है ही नहीं, तो इसीलिए ये कोड भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी एंड डी हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमारा दूसरा कोड जो है दोनों ऑप्शन में वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, वो क्यों है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो पॉलिप्स का रिमूवल हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, हॉट बायोप्सी फॉर कैप्स के थ्रू, ठीक है। और पहले कोड में 43239 के साथ में हमारा मैच कर रहा है ईजीडी विद मल्टीपल बायोप्सी, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने राइट आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में गाइस इतना, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करोगे, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम।